नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसटेट पीजीटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर क्वेश्चन नंबर 140 तक लेके आए हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 130 तक डिस्कस कर लिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 आपसे क्या कहता है। लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन जी हैज इनफाइनाइटली मेनी जनरेटर्स, जी हैज वन जनरेटर, जी हैज टू जनरेटर्स और जी हैज थ्री जनरेटर्स। ठीक है, वैसे तो हमारे पास ग्रुप थ्योरी में ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके बीच में दो जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, जो जेड हमारे पास है वो एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर वन है। आप देख सकते हो इसका जनरेटर तो वन है ही। क्यों? क्योंकि जेड का हर एलिमेंट हम लोग वन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो मुझे वन को लिखना है तो मैं वन को लिख सकता हूं 1 into 1, 2 को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 2 into 1, 3 को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 3 into 1, -1 को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं -1 into 1, और -2 को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं -2 into 1। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन। सेम थिंग हैपेंस विद व्हेन वी रिप्लेस इट विद -1। ऐसे ही इंटीजर का हर एलिमेंट को हम लोग -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 1 लिखना है या -1 लिखना है। 1 लिखना है तो 1 को मैं लिख सकता हूं 1 multiply -1, दिस विल बी -1, 2 multiply -1, दिस विल बी -2, 3 multiply, है ना, -1 को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 1 multiply -1, ऐसे -2 को लिखना है तो 2 multiply -1। इसी तरीके से अगर मुझे 1 को एक्सप्रेस करना है -1 की फॉर्म में, देन यू से -1 multiply -1, -1 multiply -2, दैट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जेड के हर एलिमेंट को या तो हम लोग 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में लिख सकते हैं या फिर -1 के इंटीग्रल मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 और -1 दोनों के दोनों इस ग्रुप के जनरेटर हैं। और इनमें एक चीज खास है, क्या, कि जो -1 है वो 1 का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, जो -1 है वो 1 का एडिटिव इनवर्स है। तो यहां से जो रिजल्ट हमें निकाल के लेके जाना है वो यही है कि किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में दो जनरेटर है, एक जो ए है और दूसरा जो उसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है जी, अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपसे कहते हैं जी कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो हमने मान लिया लेट जी बी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जो जी है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जो ए है वो ग्रुप जी का जनरेटर है। ठीक है जी, जो ए एलिमेंट है वो ग्रुप जी का क्या है, जनरेटर है। तब आप क्या लिख सकते हैं, देन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर मैं जी का कोई भी एलिमेंट ले लूं तो कहने का मतलब है उस एलिमेंट को मैं ए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं जहां पर के मेरे पास किसको बिलोंग करेगा, के मेरे पास इंटीजर को बिलोंग करेगा। सही है ना, अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है ग्रुप का और ए उसका जनरेटर है, दैट मीन्स एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द पावर्स ऑफ ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स रेस टू पावर माइनस के लिख सकते हैं ऐसे। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम है अगर के मेरे पास इंटीजर है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस के भी मेरे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर माइनस के भी मेरे पास इंटीजर है, इसका मतलब मैं एक्स को ए इनवर्स रेस टू पावर कुछ नए इंटीजर में लिख सकता हूं, है ना। तो कहने का मतलब ये इन्वर्टिबल, ये जो एलिमेंट है उसको हम इनवर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि जो जी हमारे पास है उसका जनरेटर कौन होगा, ए इनवर्स होगा, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं ना, ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। जो ए इनवर्स है वो जी का क्या होगा, जनरेटर होगा। इसके साथ साथ एक चीज जो हमें और नोट करनी है कि सर जो ए इनवर्स है वो बिल्कुल ए के बराबर नहीं है, अलग अलग है। क्यों भाई, अगर मेरे पास ए इनवर्स ए के बराबर हो गया उस केस में क्या होगा, देन ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई।
जो एक स्केयर है वो ई के बराबर हो गया। उस केस में जो ए एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। जो एलिमेंट का ऑर्डर है वही सेम टू सेम ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा, तो इसका ग्रुप का ऑर्डर भी कितना हो गया? दो हो गया। परंतु ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जी हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो आप लिख देना ऐसा नहीं है, बिकॉज जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है जी, जो जी मेरे पास है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इसका मतलब किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ दो जनरेटर है, एक तो ए और एक उसका इनवर्स। ठीक है जी, तो हम यहां लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, ए यहां लिख देते हैं, हेंस ए एंड ए इनवर्स आर टू डिस्टिंक्ट, दीज आर टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स ऑफ जी। ठीक है भाई, ये हमारे पास ग्रुप जी के दो डिस्टिंक्ट जनरेटर्स होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि जी हैज टू डिफरेंट जनरेटर्स फॉर एन इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 आप लोगों से क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 132 जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एकदम से वहां पे जाके होता नहीं है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। आपसे कहते हैं यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 20 डिग्री प्लस में 4 साइन 20 डिग्री, इसमें से इसका वैल्यू क्या आएगा? ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने सारे रिजल्ट को साइन और कोस की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने टेंजेंट को ओपन किया, साइन 20 डिवाइड बाय कोस 20 और प्लस में 4 साइन 20 डिग्री, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने कोस 20 डिग्री एलसीएम ले लिया। जैसे आप कोस 20 डिग्री को एलसीएम लेंगे, ये क्या बनेगा, साइन 20 डिग्री प्लस में 4 साइन 20, दिस विल बी कोस 20 डिग्री, ऐसा बन जाएगा। इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा साइन 20 डिग्री प्लस में दिस विल बी 2 टाइम्स साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री डिवाइड में मेरे पास कितना आएगा, कोस 20 आएगा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा सबको मालूम है, जो ये वाली चीज हमारे पास है ये साइन 2 थीटा के बराबर है। तो साइन 2 थीटा का मतलब क्या है, साइन 40 डिग्री। इसके बाहर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, साइन 20 प्लस का साइन 40 प्लस में साइन 40 डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा कोस 20। ठीक है जी, यहां पे हमने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा साइन सी प्लस साइन डी का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ये बराबर होगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और फिर मेरे पास क्या आएगा, कोस सी माइनस टी 20 माइनस 40 बाय 2 प्लस का साइन 40 डिवाइड में क्या है मेरे पास, डिवाइड में मेरे पास है कोस 20। ठीक है जी, अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, उसके बाद देखिए मेरे पास क्या आ गया, 2 साइन 60 बाय 2, 60 बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 30, कोस 20 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 20, माइनस 20 बाय 2 करेंगे तो माइनस 10। लेकिन कोस में माइनस थीटा और कोस थीटा फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही होता, तो हमने इसको लिख दिया प्लस में साइन 40 डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास है कोस 20 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो हमने इसको चेंज कर दिया 2 × 1/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में सेम फॉर्मूला बनाना है, तो आप कोस को साइन में चेंज कर लो, आपको मालूम है कोस थीटा मेरे पास बराबर है साइन 90 माइनस थीटा, अरे भाई ठीक है, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा कोस 20 डिग्री। ठीक है जी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन 80 डिग्री प्लस का साइन 40 डिग्री डिवाइड बाय साइन 20 डिग्री। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो मुझे मालूम है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और साथ में कोस सी माइनस डी बाय 2, अपोन में क्या आएगा, अपोन में मेरे पास आएगा कोस 20 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, कोस 20, ये मेरे पास क्या है, कोस 20। अब बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बच गया कितना, 2 साइन
120 by 2, इसको मैंने कैंसिल किया, साइन 60 आ गया, तो साइन 60 का जो वैल्यू है दैट इज रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, रूट 3 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने पहले इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तब तो ये वहां पर जाकर हो जाएगा, अन्यथा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इतनी जल्दी हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 आप लोगों से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 133 था, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, दिस वॉज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक इनइक्वालिटी है जो बहुत काम की है, बहुत काम की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कंपिटिशन एग्जाम में ये पूछी जाती है, जो क्या है वो, दिस इज ए एम बिटवीन टू नंबर्स, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, उस केस में ए एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। इस आइडेंटिटी का मैं यहां इस्तेमाल करूंगा, विद इन 10 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। आपसे कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 tan² θ प्लस 3 cot² θ इज इक्वल टू 1, और ऑप्शन हमारे पास 4 गिवन है, ठीक है जी। तो आप क्या लिखेंगे, देखो 27 tan² θ प्लस में 3 cot² θ डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास क्या है, अर्थमेटिक में दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक में कैसे निकलता है, ए बी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले दे, तो यहां पे ए क्या है 27 tan² θ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 cot² θ, ऐसा बनेगा। अब यहां से देखिए भाई 27 tan² θ प्लस में 3 cot² θ, ये दो पॉजिटिव है, जैसे उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 आ जाएगा, इसको मैंने लिखा तो क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और जो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास है दैट वाज इक्वल टू 1/tan²θ, होता ही है ना, कोट स्क्वायर थीटा क्या है 1/tan²θ, टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां देख सकते हैं 27 tan²θ प्लस में 3 cot²θ, दिस इज 2, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो ये हमारे पास क्या आएगा 18, तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू हमेशा 18 या 18 से बड़ा आएगा, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 18 होगी, विच वॉज ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये इनइक्वालिटी आती है तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं है, और नहीं आती है तो भैया फिर समय लग जाएगा, और इतना समय हमारे पास पेपर में होता नहीं है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 आप लोगों से क्या कहते हैं। नंबर 134 था, दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल एंड गिफ्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, आपसे कहते हैं इफ 4 + 3 θ दिस इज इक्वल टू 3 - 4 θ अपॉन 3 - 4 θ इज इक्वल टू x + θ y, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x / y, सिंपल रैशनलाइज कर दीजिए, कंपेयर करके एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आएगा। हमारे पास लिखा है 4 + 3 θ डिवाइड बाय 3 - 4 θ, हमने रैशनलाइज किया तो 3 + 4 θ से मल्टीप्लाई और 3 + 4 θ से डिवाइड, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 θ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 θ, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बनेगा 12 θ² डिवाइड बाय a² - b², सो 3² - 4 θ², ये क्या बन गया 12 θ² कितना है -1, तो -12, 16 में 9 को ऐड किया 25 θ डिवाइड बाय 9 माइनस में 16 θ², 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसको मैं देखूंगा 9 प्लस का 16 कितना हो गया 25, सेपरेट सेपरेट कर दीजिए भाई, 0/25 प्लस में 25/25 θ 0, और ये क्या बन गया 1 θ, किसके बराबर है x + θ y, तो आप देखिए x का वैल्यू 0 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। आपको मालूम है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है, इसका वैल्यू लगा दो इसमें, हमें क्या चाहिए x / y, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है
ऑप्शन नंबर ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 135 था, दिस वाज बेस्ड अपॉन एरिया अंडर कर्व। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है। आपसे कहते हैं द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई माइनस टू स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2.3 x is equal to 0 and y is equal to 0। ये कर्व इस पॉइंट पे टेंजेंट के साथ x एक्सिस और y एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड करता है ये हमें निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, ये हमारे पास है क्या है? ये कर्व हमारे पास लिखी है y माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो ये मुझे दिख रहा है y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू में एक्स माइनस एच। ये हमारे पास एक राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है वो मेरे पास 1.2 है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारे पास कैसा दिखेगा, ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश और ये ओरिजिन। ये हमारे पास पॉइंट है, ये मान लो हमारे पास पॉइंट है कौन सा 1.2। तो 1.2 के ऊपर हमने एक पैराबोला खींचा इस तरीके का, 0.0 सेटिस्फाई करा के देख लो, 0.0 तो सेटिस्फाई होगा नहीं, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास तो नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया, ये वाला पॉइंट है 1.2। अब हमसे कहता है एक पॉइंट है 2.3, पहले चेक करो क्या 2.3 पैराबोला पे लाई करता है। हमने चेक किया 3-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2-1, सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो मान लो ए यहां पे हमने इस पैराबोला के साथ टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई। तो ये वाला जो पॉइंट मेरे पास है, दिस पॉइंट इज गिवन टू बी 2.3। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कर देते हैं, पॉइंट हमें दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कीजिए। जैसे हमने डेरिवेटिव किया 2 into y minus 2 और y माइनस टू का दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा dy by dx। इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 और 2 का 0। तो जैसे मैंने यहां से dy by dx निकाला मेरे पास बराबर आएगा 1/2 into में y माइनस टू, ऐसा बन जाएगा। अब पॉइंट क्या है 2.3, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप 2.3 पे मैंने निकाला, तो जब मैंने स्लोप निकाला तो मेरे पास 1/2 आ गया, ओके जी बिल्कुल। पॉइंट मुझे मालूम है, स्लोप मैंने निकाल लिया, तो अब इक्वेशन निकाल लेते हैं भाई। इक्वेशन निकलेगी y माइनस थ्री 1/2 और साथ में x माइनस टू, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x माइनस एक्स वन। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2y-6 एक्स माइनस टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, एक्स माइनस टू वाई माइनस टू प्लस का 6 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक्स माइनस टू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये जो पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, टेंजेंट एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसलिए वाई 0 होगा। वाई को 0 किया, जैसे आप वाई को 0 करेंगे तो x का वैल्यू मेरे पास -4, तो ये पॉइंट आ गया -4.0। y एक्सिस को कहां काटता है, y एक्सिस के लिए x को 0 करो, जैसे आपने x को 0 किया y का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज 0.2। अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। ये वाली कर्व x एक्सिस और y एक्सिस के साथ टेंजेंट के साथ मिलकर जो एरिया बनाता है, इसका मतलब मेरे को ये वाला सारा का सारा एरिया निकालना है जिसको मैंने अभी अभी क्या किया, शेड किया है, ठीक है जी। अब इस एरिया को निकालने का तरीका क्या है, सामने देखिए, हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं क्या करूंगा जीरो से लेके इसको हटाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो सेम है 0.2 के साथ। आपसे क्या कहते हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया 2.3 और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूंगा तो ये मेरे पास 0.3 आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, 0.3 तक पैराबोला का एरिया लूंगा। अरे भाई ठीक है,
जो ये वाला सारा का सारा एरिया है, ये एरिया मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जीरो से लेके तीन तक पैराबोला का एरिया निकालूंगा और उसमें से इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वाला एरिया आ जाएगा जो मुझे निकालना था। तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया बराबर होगा कहां से कहां, जीरो से लेके तीन तक। तो हमने इसको लिखा जीरो से लेके तीन तक एक्स पैराबोला का, क्योंकि हम वाई एक्सिस के साथ बाउंड कर रहे हैं इसलिए एक्स डी वाई आएगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया। अगर आप ध्यान से देखो ये टू है ये थ्री है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, वन है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, टू है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मुझे मालूम है वन बाय टू मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ऐसा होगा वन बाय टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो भैया दो से दो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब पैराबोला से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो जैसे आप पैराबोला से एक्स की वैल्यू निकालेंगे मेरे पास आएगा वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस का वन, साथ में डी वाई और माइनस का वन ये। ठीक है जी, अब इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस टू का होल क्यूब डिवाइड बाय क्यू। वाई माइनस टू का डेरिवेटिव वन होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास वाई आएगा, जीरो से तीन आएगा और माइनस का वन आएगा। अब आप इससे बीच में वैल्यू पुट कीजिए, मैंने पहले तीन पुट किया, जैसे आप तीन पुट करेंगे 3 माइनस टू का क्यूब बाय 3 और प्लस का 3। जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 से मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 0 माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 और सारे के बाहर जो माइनस 1 है वो तो एज इट इज है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसको हमने लिखा 1 बाय 3, ये बन गया प्लस का 3, इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 बाय 3 और माइनस का क्या हो गया 1। तो जब आप इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसको आपने लिखा 9 बाय 3 प्लस का 3 और माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 और 3 6, 6 में से एक जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो 5 स्क्वायर यूनिट्स है दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 2, 3 With x is equal to 0 and y is equal to 0. तो ऑप्शन नंबर ओ, ऑप्शन नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप देख लेना जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन के बीच में जो 5 स्केल यूनिट्स आएगा, 5 स्केल यूनिट्स जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 आपसे क्या कहता है, नंबर 136 है, उसके बीच में हमें एक फंक्शन दिया है लॉगरिथमिक फंक्शन टू द बेस 10। इस फंक्शन का हम लोगों को डोमेन निकालना है। उम्मीद करते हैं आपको डोमेन का मतलब मालूम होगा। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोस रियल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन में उन सारी रियल वैल्यूज को डाल के देखते हैं, जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है उसका सेट बनाते हैं, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। ये वाला फंक्शन स्केयर रूट फंक्शन है, तो आपको अच्छे से मालूम है कोई भी स्केयर रूट फंक्शन एफ एक्स विल बी डिफाइंड। जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। भाई कब डिफाइन होगा, जो भी स्केयर रूट के बीच में लिखा है या तो वो जीरो हो या फिर वो जीरो से ग्रेटर। तो हमने इसको लिखा लॉग टू द बेस 10 इनटू में 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव रियल नंबर का स्केयर रूट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, आइटा में आता है। और जितने भी फंक्शन हम रियल एनालिसिस में डील करते हैं वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है जी, यहां से मैं log to the base 10 हटाना चाहता हूं, तो अगर e होता तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ e रेस कर देते हैं। अगर मुझे इसको हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 10 ले लेंगे। जैसे आप 10 लेंगे तो ये हट जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये मेरे पास आएगा दिस विल बी ग्रेटर देन 10 रेस टू पावर 0। ठीक है, अब मुझे अच्छे से मालूम है 10 रेस टू पावर 0 कितना है, 1। तो इसको मैंने लिखा 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 पॉजिटिव है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ले जाओ उठा के इधर, तो ये मेरे पास आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 5x। ठीक है जी, इसको सीधा करके लिख लीजिए और बीच वाले टर्म को फैक्टराइज कर लीजिए, माइनस एक्स प्लस का 4, दिस विल बी लेस देन 0। ठीक है, माइनस 4 माइनस 1 ऐसे दो नंबर है जिनको एड करके माइनस 5 आता है और मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 आता है। ठीक है जी, हमने x को बाहर निकाला x माइनस 4, माइनस 1 को बाहर निकाला x प्लस का 4।
जैसे हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस फोर एक्स माइनस वन, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद वेविकर्म मेथड, उसमें तो कुछ है ही नहीं है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कहां जीरो बनता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट वन, इसका क्रिटिकल पॉइंट फोर, कहां से, राइट से शुरू किया, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर क्या होगा पॉजिटिव। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां आ रहा है, वन से फोर में, साथ में इक्वालिटी भी है, इसका मतलब वन और फोर दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वन पे भी जीरो बनता है फोर पे भी जीरो बनता है। इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल वन टू फोर विच इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, दिस वॉज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इंटीग्रेशन। आपसे कहते हैं वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर डीएक्स सेटिस्फाइज द पॉइंट 1, 2। 1, 2 का मतलब है x और y, तो जो भी कर्व है आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट का यूज करके कई सारे ऑप्शन तो हम वैसे ही काट सकते हैं। अब देखो डायरेक्टली x का वैल्यू 1 है, log 1 हमेशा 0 होता है। अगर मैंने x y की जगह पे 2 डाला, x की जगह पे 1 डाला, तो ये 2 + 2 = 4 आ गया, ये 0। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। y की जगह पे 2, x की जगह पे 1, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, यहां कितना आएगा log 1 0, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिलहाल ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, इसका मतलब दो ऑप्शन तो कट गए। अगर मुझे तुक्का भी मारना है, मेरे पास समय नहीं है, तो भी मैं तुक्का इन दोनों में से मारूंगा, इन दो में से तुक्का नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि यहां पे आके हम फंस गए हैं, अब ये नहीं बता सकते कि आंसर ये होगा कि ये होगा, इसके लिए हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। आपसे क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, मेरे पास बराबर है किसके, लॉग एक्स का स्क्वायर साथ में डीएक्स। आपको मालूम है इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों ने दूसरा फंक्शन वन मान लिया, वन से मल्टीप्लाई कर दिया, दो एक्स के फंक्शन हो गए, इसका इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, तो हम क्या कहते हैं डेरिवेटिव वाली टर्म ऐसे की ऐसे, इंटीग्रेशन वाली का इंटीग्रेशन। जब वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस में इसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास आ गया 2 log x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव किया 1/x, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा, और जो आ गया उसका एक बार फिर से मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, एक्स से एक्स कट गया तो मेरे पास वाई बराबर आ गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। अगेन मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके आई ले 2 लगाना, इसका इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव क्या लिख देंगे भाई, वाई बराबर होगा एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस में 2, डेरिवेटिव वाली टर्म ऐसे की ऐसे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स, माइनस में लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, जो आया उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बाद में लगा देंगे क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2x इंटू लॉग एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में क्या आएगा सी, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमसे क्या कह रखा है, किससे पास करता है 1, 2 से, जैसे आप इससे 1, 2 डालेंगे, y की जगह पे 2, x की जगह पे क्या डालेंगे, x की जगह पे 1, दिस विल बी 2 × 1 log 1, दिस विल बी 2 × 1 और प्लस का c। अब आपको मालूम है log 1 हमेशा कितना होता है 0, सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, तो क्या बन गया 2, मेरे पास बराबर होगा 2 + c, तो कैंसिल हो गया, c का वैल्यू कितना आएगा 0, इसमें डाल दीजिए क्या बन जाएगा y x इंटू में log x का होल स्क्वायर माइनस का 2x इंटू में log x और प्लस का 2। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां से सारे में से x कॉमन आ रहा, तो हमने क्या किया इस सारे में से x को कॉमन निकाल लिया। ठीक है भाई, तो मेरे पास आ गया y/x, ऐसा बन गया y/x। उसके बाद यहां क्या बचेगा, log x का होल स्क्वायर माइनस का 2, फिर क्या आएगा log x, यहां क्या बचा प्लस का 2,
प्लस टू को इधर लेके आएंगे तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहां से log x को कॉमन निकाल लो तो बीच में मेरे पास आएगा log x माइनस टू, तो हमारा आंसर आ गया y by x माइनस टू, दिस विल बी log x इंटू में log x माइनस टू, सो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसके साथ मैच कर रहा है एंड ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। अगर एक आधी कंडीशन और दे देता तो मे भी हो सकता है एक आधा ऑप्शन और कट जाता, फिलहाल जो कंडीशन था उससे दो ऑप्शन कट रहे थे, समय है तो पूरा करके देखिए और तुक्का लगाना है तो दो ऑप्शन कट गए, बाकी दो में फिर आप खेल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 आप लोगों से क्या कहता है। नंबर 138 वाज बेस्ड अपॉन 3D ज्योमेट्री, इससे आसान क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं मिलेगा स्टेट के पेपर, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर आप एक छोटी सी ट्रिक मालूम है, छोटी सी ट्रिक क्या है वो तो ऑब्जर्वेशन है हमारी। देखो ये कोई भी एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये इस प्लेन का नॉर्मल है जो कि इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बीचों बीच आता है। इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो सबको मालूम है, कैसे निकालते हैं, अगर आपने 3D पढ़ा है तो आपको मालूम है जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट है वो इसका डायरेक्शन रेशियो होते हैं। एक लाइन इस प्लेन के पैरेलल है ऐसे करके, एक्स माइनस एल्फा बाय ए, वाई माइनस बी, वाई माइनस बीटा बाय बी और जेड माइनस गामा बाय सी। अगर आपसे पूछा जाए इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है तो आपको मालूम है जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो डायरेक्शन रेशियोज है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जब भी कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो मुझे मालूम है बी डॉट एन हमेशा किसके बराबर है, जीरो। तो आपको क्या करना है, बी डॉट एन को जीरो करके देखना है। लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3, 4, 5, इसके नॉर्मल ही क्या है 2, 3, 4, क्या इनका डॉट करके जीरो आ सकता है, सारे पॉजिटिव है जीरो कैसे आएगा, 6, 12, 20 नहीं आएगा जी। अगले वाले में क्या है 3, 4, 5, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, ये भी सारे पॉजिटिव है ये भी नहीं आएगा। इसको देखिए क्या है 2, 1 और -2 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और इसका डॉट इससे करेंगे तो क्या आएगा 5 -2, 6 + 4 - 10, 10 - 10 विल बी 0। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस और इस प्लेन के नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट जीरो है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला प्लेन इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि इसके केस में बी डॉट एन का वैल्यू जीरो है। ये तो मेरे को समझाने में समय लग गया, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो विद इन 5 सेकेंड्स to 10 सेकेंड आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर 139 था, दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंशिएशन बेस्ड अपॉन द पैरामीट्रिक फंक्शन। आपको मालूम है एक्स और वाई थीटा के फंक्शन है, आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है, सिंपल सिलेबस का क्वेश्चन है, 12th क्लास के सिलेबस में है। हमने यहां पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर दिया, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 1 + cos 2θ एज इट इज, sin 2θ का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 cos 2θ, प्लस में क्या होगा sin 2θ एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos 2θ का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2 sin 2θ, ऐसा आ जाएगा। इसको लिखिए a, ये मेरे पास बन गया 2 cos 2θ मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos² 2θ और इसको लिखेंगे माइनस का 2 sin² 2θ। ठीक है जी, फिर हमने इसको लिख दिया a 2 cos 2θ, दो बाहर, बीच में आ गया cos² 2θ माइनस में sin² 2θ। आपको मालूम है cos² θ माइनस sin² θ कितना होता है cos² θ, यहां से 2 को बाहर निकाल लो 2a, ये आ गया cos² θ और ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला हमारे पास cos 4θ का बन गया। ठीक है जी, ऐसे इसको डिफरेंशिएट कीजिए
डी वाई बाय डी थीटा क्या आ जाएगा, बी वन माइनस कोस टू थीटा, कोस टू थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का टू साइन टू थीटा, प्लस में कोस टू थीटा एज इट इज, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे जीरो, और ये बन जाएगा प्लस का टू साइन टू थीटा, इसके मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा, बी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का टू साइन टू थीटा, ये बन जाएगा प्लस का टू साइन टू थीटा कोस टू थीटा, ऐसे यहां पे भी टू साइन टू थीटा कोस टू थीटा, फिर आपको मालूम है टू साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल है, साइन टू थीटा, तो ये चीज मेरे पास किसके बराबर होगी, साइन फोर थीटा, ठीक है जी, और जो ये वाली चीज है ये भी क्या होगी, साइन फोर थीटा, तो कितनी बार हो गया, दो बार, दो को बाहर निकाल लीजिए टू बी, तो बीच में क्या बच गया, साइन फोर थीटा माइनस का साइन टू थीटा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच गया, ठीक है जी, इसको मैं एक मिनट के लिए मिटा रहा हूं, ऑप्शन आप बाद में देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर हमें क्या निकालना है, फिर हम लोगों को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, आपको अच्छे से मालूम है पैरामीट्रिक फंक्शन के केस में हम लोगों ने डी वाई बाई डी थीटा को dx by d theta से डिवाइड किया तो dy by dx आ जाएगा, dy by d theta का वैल्यू क्या है, dy by d theta का वैल्यू मेरे पास ये है 2b sin 4 theta minus sin 2 theta डिवाइड में, यहां से क्या आएगा, दिस विल बी 2a cos 2 theta और प्लस में क्या आएगा cos 4 theta, दो से दो कैंसिल हो गया, sin c minus sin d और cos c plus cos d लगा दीजिए, क्या बनेगा b by a, इसको मैं लिखूंगा 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 upon बिल्कुल सेम cos c plus cos d, अगेन वही होगा 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, दो से दो कैंसिल, cos 6 theta by 2 से cos 6 theta by 2 कैंसिल, ऊपर मेरे पास क्या बचा, ऊपर मेरे पास बचा b by a, यहां क्या आएगा 2 theta by 2 sin theta, नीचे क्या होगा cos theta, तो आप देख सकते हैं b by a tangent theta, आप देख लेना जो भी ऑप्शन में मैच करता हो, b by a tan theta this will be the required answer, ठीक है, तो b by a tan theta हमारा आंसर आएगा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 हम लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 140 था, दैट वाज बेस्ड अपॉन टेंजेंट टू द सर्कल, इजी क्वेश्चन था, आपसे कहते हैं टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल x² + y² - 14x + का 2y + 25 = 0, एंगल बिटवीन दीस टू टेंजेंट्स, आपसे ये कह रहे हैं ये बताओ इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है, इसकी बात वो कर रहा है, क्या हम लोग इसका सेंटर बता सकते हैं, बहुत आसानी से हमें मालूम है x² y स्क्वायर 2gx 2fy + c = 0, तो 2g = -14, 2f = 2 एंड c = 25, तो g का वैल्यू -7, f का वैल्यू 1, तो आपको अच्छे से मालूम है जो हमारे पास सेंटर है वो सेंटर होता है -g -f, इसका मतलब 7, -1, ठीक है जी, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर है 7, -1, मैंने इसको इससे ज्वाइन करा दिया, अब आपको मालूम है ये क्या है रेडियस, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, जितना एंगल ऊपर होगा सेम टू सेम एंगल नीचे होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है, कोई भी दो ट्रायंगल कंग्रेंट है क्रोस्पोंडिंग पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, अब मुझे चाहिए रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 7² प्लस में -1² -25, 50 -25 दिस विल बी 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास 5 के बराबर होगा, रेडियस है, रेडियस हमारे पास 5 के बराबर आ गया, ठीक है, क्या हम सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो सर, ओ और इसको लिख लेते हैं ओ डैश,
तो O और O डैश के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, सेवन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वन प्लस का 49, दिस विल बी 50, और 50 को लिखा जा सकता है 5√2, तो ये मेरे पास आ गया 5√2। क्या मैं इस थीटा को निकाल सकता हूं? यस सर, बिल्कुल आसान है, आप इसको लिखो, ये मेरे पास क्या है, इसको नाम दे दो P का, तो आप लिखेंगे OP डिवाइड बाय OO डैश, OP बेस है या परपेंडिकुलर है, अपोन में हाइपोटेनस, कुछ भी ले लीजिए, मैंने मान लिया ये क्या आ गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो आपको अच्छे से मालूम है परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनस किसके बराबर है, साइन थीटा, इसकी वैल्यू लगाइए 5 अपॉन 5√2, दिस विल बी साइन थीटा, कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/√2। अब 1/√2 वैल्यू कहां होता है, जो 1/√2 वैल्यू मेरे पास है वो मेरे पास 45 डिग्री पे होता है, इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है आरएचएस कंग्रेंस रूल से, है ना, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के बराबर, साइड कॉमन है, राइट एंगल के बराबर है, क्योंकि एक सर्कल पे जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बाहर से उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है, ठीक है जी, तो ये भी कितने का आएगा 45 का, उसने हमसे कहा था दोनों टेंजेंट में एंगल कितना है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल ये वाला था, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसका मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन हमने आपको समझाए वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, टेक्निक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पर नए आए हैं तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट पार्ट होगा लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, जिसके बीच में हम 141 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस को और भी अमेजिंग वे से डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।